सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी आज मैं ऊपर वाले रूम में आके ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि नीचे सब टीवी देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैं ऊपर आ गई ऊपर वाले रूम में आके ब्लॉग बना रही हूँ और मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ अभी। सो गाइस देखो 2:19 पर मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एंड जैसे तैसे मैंने ये खाना बनाया है, ये है खिचड़ी एंड ये है आलू का से चोखा जिसे बोलते हैं एंड चिप्स तो मैंने बहुत सारे बनाए थे पर सब खत्म हो गया तो तीन बचे एंड ये अचार है। सो ब्लॉग लेट से स्टार्ट करने के पीछे मतलब मैं आज बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और सुबह से मैं सोई हुई थी, अब भी मैं सो के उठी एंड देखा तो खाना भी नहीं बना हुआ था, तो जैसे तैसे मैंने ये खिचड़ी बनाई एंड ये सब बनाया और बस खाना लेके मैं ऊपर आ गई क्योंकि नीचे सब टीवी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मैं सोई हुई थी सुबह से, अभी मैं सो के उठी पर वैसे ही मैंने नहाया भी नहीं आज और नहाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोची चलो छोड़ो आज नहीं नहाती हूँ कल नहा लूँगी एंड मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा था, ऐसी सोई हुई थी एंड पता नहीं कहीं यहाँ पर घाव भी निकल आया है, तो घाव भी अजीब सा, ये भी यहाँ पर दर्द हो रहा है, पर अजीब सा ब्लॉग बन रहा है मेरा आज, तो फटाफट मैं खाना खा लेती हूँ। काफ़ी गर्मी लग रही है पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, फैन ऑन कर लेती हूँ। देखो जैसे जैसे मैंने खाना फिनिश कर लिया देखो सारा खाना खत्म हो गया है, बाहर छत पे तो नल है तो छत के नल में ही मतलब फेस साफ कर लेती हूँ। मैं सुबह उठी फेस वॉश कुछ भी नहीं, मैं फेस पानी कुछ भी नहीं डाला मैंने, बहुत गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी है। मैं फेस को ऐसे ही पानी से धो लूँ, सो गाइस उस समय से छत पे अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी और अभी मैं बताने वाली हूँ आपको एक गुड न्यूज़ नहीं बोलेंगे पर मैं तो थोड़ी में ही खुश हो जाती हूँ, पर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ते ही जा रहे, मतलब मुझे नहीं मालूम था कि मेरे फॉलोवर भी बढ़ते रहेंगे एक 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 करके। तो काश तुम्हें को मैं तुझे मार डालूंगी, उसके बाद ही मेरा फटकना बंद होगा। सबसे लेटेस्ट टीवी देख रही थी एंड मूवी देख रही थी वो भूल भुलैया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी तब भी मूवी आई थी एंड जब मैं मूवी देखी थी ना तो मेरे घर में सभी डर चुके थे और सभी जब फर्स्ट टाइम में मूवी चल रही थी तो उस टाइम इतना हम लोग चार भाई बहन, हम लोग तो दीदी भी थी मैं भी थी दोनों भाई थे, सभी डर गए थे और सभी की जो पलंग होते हैं ना उसके अंदर नीचे पहले चौकी आती थी तो उसके नीचे घुस के घूस गए थे और सभी पेट से नीचे उतर ही नहीं थे, इतना डर गए थे उस मूवी को देख के। लेकिन अब समझ में आती है पर तब भी लग रहा था कि भूत है मूवी में, अब भी लग रहा है कि उस मूवी में भूत है, बिलीव ही नहीं होता कि भूत नहीं है, वो सब ऐसे ही किया है। सो बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग मूवी देख के, अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था मूवी देख, अभी भी मूवी चलाती हूँ तो ऐसा लगता है कि पहली बार देख लूँ, इतनी ज़्यादा अच्छी मूवी है। सो ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करा था, फिर भी देखिए टाइम वैसे ही भागता जा रहा है, तो मैं सोची ना कुछ तो बनाना पड़ेगा भाई क्योंकि 6 बजे तक मुझे डालना है वीडियो। मैं वैसे ही बैठ के आराम कर रही थी, मैं सो रही थी उस टाइम से, तो मैंने लैपटॉप ही पड़ा हुआ इधर एंड ये देखो मेरी टीवी वैसे तो हमारे घर में पहले छोटी टीवी थी और बड़ी टीवी लेने का कोई रीज़न नहीं था, पर हमारे घर में एक इंसान है जो कि हमारे घर पर आता है तो मेरा बोलता है कुछ नहीं जिसके कारण हमें टीवी लेनी पड़ी,
टीवी वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई दिखता नहीं टीवी, टीवी वैसे ही पड़ा पड़ा रहता है, शांत तो रहता था, तो सुबह शाम वो टीवी दिखता था। पर टीवी जब से शांतनु के है वो अपनी दादी का, तब से कोई टीवी देखता ही नहीं। वैसे टीवी बैठ के मुँह देख रही है, सोचिए मुझे कोई देख ले। आज बहुत दिनों के बाद टीवी चली है और वो भूल भुलैया मूवी देखी मैंने। तो कैसे सोच रही थी नहा लेती हूँ, नहाने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था, फिर मैं नहाने गई, फिर देखी कि 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे, तो क्या नहाऊँ क्या नहाऊँ, और शाम में नहाऊँगी तो और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैं नहाना कैंसिल कर चुकी हूँ, मैं नहीं नहाऊँगी, मैं सीधा कल नहाऊँगी। और अभी बैठ के वैसे ही यहाँ बैठी हुई थी और मन ही नहीं दौड़ा, अकेले घर में क्या करूँगा, अकेला बोरिंग था। फिर अब देखो मेरे यहाँ पे पिंपल है या फिर घाव समझ में ही नहीं आ रहा। वैसे मुझे कभी घाव होता ही नहीं फेस पे, मुझे मेरा और ना ही मुझे पिंपल होते हैं, पर पता नहीं यहाँ पे क्या निकल गया यार, ठीक ही नहीं हो रहा। और बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है यहाँ पे, इतने दिनों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कभी मुझे पिंपल नहीं हुए, कभी यहाँ पे वो ब्लैक हेड्स होते हैं ना, वो ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो भी होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, चिक्स पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं नोज़ पे कभी कभी एक दो आते हैं, तो घाव नहीं होता ये समझ में। गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है घाव हो गया होगा।